हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। आज हम वेब टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। सीएसएस बॉक्स मॉडल बेसिकली करता क्या है, हमें हेल्प करवाता है जो हमारा वेब पेज होता है उसके पेज के लेआउट को या फिर उसके डिजाइन को क्रिएट करवाने में। जैसे सपोज करते हैं कि हमारा ये एक वेब पेज है, इसका जो डिजाइन होगा या फिर आप बोल सकते हो इसका जो पेज का लेआउट होगा वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, उसको क्रिएट करवाने में हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। क्या क्या होती है वो प्रॉपर्टी, जैसे कि मार्जिन होती है, उसका बॉर्डर, पैडिंग, ये कंटेंट एरिया है तो कंटेंट एरिया, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्या है प्रॉपर्टीज हैं हमारे किसी भी वेब पेज के अंदर, जिनको हमें क्रिएट करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस बॉक्स मॉडल। हमारा बॉर्डर कैसा होगा, कितनी थिकनेस होगी, कितने हमारे कंटेंट एरिया की हाइट होगी, विड्थ होगी, किस तरीके की हमारी पैडिंग होगी, मतलब पैडिंग का साइज क्या होगा, वो सारी चीजें। अब एक एक करके देखते हैं ये प्रॉपर्टीज होती क्या है, मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, कंटेंट एरिया क्या है, ये सारी चीजें आपने बहुत बार सुनी होगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि होता क्या है। सपोज ये हमारा क्या है, एक वेब पेज है। वेब पेज को जब भी हम बॉर्डर देते हैं तो वो कुछ इस तरीके का आ जाता है, जिस जो भी हमने हाइट, विड्थ और उसका टाइप या फिर कलर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरीके का हमारा वेब पेज पे आ जाता है, ठीक है। तो अब जो ये एरिया देख रहे हो आप, ये होती है बेसिकली पेज की मार्जिन, ये होगी हमारे पेज की मार्जिन। ये तो बॉर्डर आपने दिया ही है, ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के बाद आप कुछ कंटेंट लिखते हो वेब पेज के अंदर। ये जो आपने कंटेंट लिखा है, कंटेंट के एरिया से पहले और बॉर्डर के एरिया के बाद जो स्पेस बचता है हमारा वो होता है पैडिंग। ये जो स्पेस बचा है हमारा ये है पैडिंग, लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से ये एरिया हमारा पैडिंग में आता है। तो ये थी हमारी डिफरेंट चीजें, ये हमारा क्या हो गया टोटल कंटेंट एरिया। ये हमारी डिफरेंट क्या है प्रॉपर्टीज है किसी भी वेब पेज के अंदर, जिनको क्रिएट करने में हेल्प करवाता है हमारा सीएसएस बॉक्स मॉडल। यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशंस लिखी हैं हर एक चीज के लिए, जैसे कि कंटेंट एरिया, दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज और मीडिया कंटेंट। कोई भी मीडिया कंटेंट या फिर हमारा टेक्स्ट है जो हम अपने कंटेंट में डालते हैं वेब पेज के अंदर, वो होता है हमारा कंटेंट एरिया। जो ये बेसिकली आप देख रहे हो जहाँ पे मैंने बालाजी क्लासेस लिखा है, ये हमारा कंटेंट एरिया है। उसके बाद है पैडिंग एरिया। पैडिंग एरिया क्या होता है, वही स्पेस होता है हमारा बॉर्डर के और हमारे जो कंटेंट एरिया के बीच में होगा वो हमारा पैडिंग एरिया होगा। ये वाला एरिया आप टॉप वाला है पैडिंग का, ये हमारा बॉटम का है, ये हमारा राइट का है, ये हमारा लेफ्ट का है। उसके बाद है बॉर्डर एरिया, एरिया बिटवीन द बॉक्स पैडिंग एंड मार्जिन। जो हमारा पैडिंग और मार्जिन है उसके बीच का जो एरिया है ये हमारा बॉर्डर आएगा, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं, जैसे कि हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगा, टाइप क्या होगा, कलर क्या होगा बॉर्डर का, वो सब चीजें। मार्जिन एरिया, स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड मार्जिन बाउंड्री। जो हमारा पेज की मार्जिन बाउंड्री है और जो हमारा ये बॉर्डर है इसके बीच का जो एरिया होगा वो हमारा कौन सा होगा, मार्जिन एरिया होगा। जब भी हमें किसी भी पेज के लिए हाइट और विड्थ लेनी होती है तो हम सिंपल कंटेंट के लिए हाइट और विड्थ लेते हैं। तो जब हमें फाइंड आउट करनी होती है टोटल हाइट और विड्थ किसी भी वेब पेज की, तो हमें क्या करना है, हमें सपोज दिया है सिर्फ कंटेंट एरिया के लिए विड्थ और कंटेंट एरिया के लिए हाइट, ये सिर्फ हमें गिवन है। अब ये विड्थ है हमारे पास W, ये W विड्थ है सिर्फ कंटेंट एरिया की, लेकिन ओवरऑल पेज क्या है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो जब हमें विड्थ फाइंड आउट करनी होगी तो ये वाली विड्थ के अंदर हमें ये कौन सी विड्थ होगी हमारी, पैडिंग की विड्थ होगी, ये पैडिंग की विड्थ है टोटल हमारी, ये हमारी बॉर्डर की विड्थ है, और उसके बाद ये जो विड्थ है हमारी ये हमारी मार्जिन की विड्थ है। तो मार्जिन विड्थ प्लस पैडिंग विड्थ प्लस बॉर्डर विड्थ हमें ऐड करवानी होगी इस वाली कंटेंट एरिया के विड्थ के साथ। और ये कैसे करवानी होगी, ट्वाइस करवानी होगी ऐड। ट्वाइस क्यों, क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एरिया है और एक हमारे पास राइट मोस्ट एरिया है, तो इन दोनों एरियाज की हमें विड्थ को क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम हाइट की बात करें तो ये हमारे पास हाइट है, ये कंटेंट एरिया की हाइट है, कंटेंट एरिया की हाइट में हमें पैडिंग की हाइट प्लस में बॉर्डर की हाइट और प्लस में मार्जिन की हाइट को ट्वाइस क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। ट्वाइस क्यों, एक बार हम टॉप मोस्ट के लिए ऐड करवाएंगे, एक बार हम बॉटम मोस्ट के लिए ऐड करवाएंगे, तो वो क्या है, हम उसको ट्वाइस भी ले सकते हैं या फिर हम अलग अलग भी ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे उसको हम काम करते हैं। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ के लिए विड्थ लिया है 40 पिक्सल विड्थ, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये कंटेंट एरिया की है। हाइट लिखी हुई है हमने 30 पिक्सल, मार्जिन के लिए दी हुई है 10 पिक्सल, बॉर्डर दिया हुआ है 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक कलर का होगा और 2 पिक्सल का हमारा बॉर्डर होगा। पैडिंग दी हुई है 5 पिक्सल। अब अगर इसके लिए हमें टोटल हाइट और विड्थ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट के लिए हमें टोटल हाइट के अंदर जो कंटेंट की टोटल हाइट है उसके अंदर हमें पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन की ट्वाइस लेनी पड़ेगी हाइट, और उसके अंदर एड करवाना पड़ेगा।
अब बात करते हैं पहले हम विड्थ की। विड्थ में भी ऐसे ही करवाना है, हमने विड्थ में पहले विड्थ लेनी है, हाइट नहीं लेंगे, सिर्फ कंटेंट एरिया की। हमने विड्थ ले ली 40। अब इस विड्थ के अंदर ये 40 दी हुई है आपको, ये जो विड्थ दी हुई है कंटेंट एरिया की, क्या दी हुई है, 40 दी हुई है। अब इस 40 के अंदर आपने ऐड करवाया लेफ्ट और राइट पैडिंग, लेफ्ट और राइट पैडिंग। ये पैडिंग जो दी हुई है आपको ये 5 पिक्सल, लेफ्ट की 5, राइट की 5, कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10, 40 में 10 ऐड कर दिया। उसके बाद ये थी पैडिंग की बात, अब उसके बाद है बॉर्डर। पैडिंग के बाद आता है हमारा बॉर्डर, तो बॉर्डर की विड्थ कितनी है, बॉर्डर की विड्थ है 2, तो उसको हम 2 दी हुई है एक बार, हमने लेनी है 2 बार, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, 4 पिक्सल ली हुई है बॉर्डर के लिए। उसके बाद है मार्जिन, हमारा बॉर्डर के बाद क्या आएगी, मार्जिन आएगी। मार्जिन के लिए भी हमें उसको ट्वाइस लेना पड़ेगा, मार्जिन जो है हमारी वो है 10 पिक्सल, हमने यहाँ पे क्या लिया 10 + 10 = 20। तो इस तरीके से हम इन सबको ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 74 पिक्सल। तो ये तो थी हमारी टोटल विड्थ। ऐसे ही हाइट फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट में क्या होगा, हाइट लेंगे हम यहाँ पे 30 पिक्सल है, 30 पिक्सल हमने हाइट ले ली कंटेंट की। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा मार्जिन है उसको ट्वाइस ले लेंगे, पैडिंग को ट्वाइस ले लेंगे और हमारे बॉर्डर को ट्वाइस ले लेंगे। पहले लेते हैं पैडिंग, सबसे पहले हमारी क्या आती है, पैडिंग आती है। हाइट में सबसे पहले पैडिंग आएगी, फिर बॉर्डर आएगा, फिर मार्जिन आएगी। तो उसी तरीके से हम ले लेंगे, पैडिंग जो दी हुई है हमारी वो दी हुई है 5, तो हम उसको ट्वाइस कर देंगे तो 10। हमारा टॉप और बॉटम का बॉर्डर मिलाए तो वो है, वैसे तो 2 है लेकिन ट्वाइस करेंगे तो 4 पिक्सल हो जाएगा। और टॉप और बॉटम हमारी मार्जिन 10 दी हुई है, 10 दी हुई है, ट्वाइस करेंगे 20 हो जाएगी। इन सबको ऐड करेंगे तो 64 आएगा हमारा। तो इस तरीके से हम टोटल निकाल सकते हैं अपने CSS बॉक्स मॉड्यूल के थ्रू किसी भी हमारे जो वेब पेज है उसकी हाइट और विड्थ। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये बॉक्स मॉड्यूल काम करता है। टू इलस्ट्रेट द बॉक्स मॉडल बाय इंप्लीमेंटिंग वेरियस प्रॉपर्टीज, हम वेरियस प्रॉपर्टीज इसकी जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मार्जिन हो गई, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गया, कंटेंट एरिया हो गया, इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करवा के हमें एक बॉक्स मॉडल को यहाँ पे क्रिएट करवाना है। तो हमने हेड सेक्शन में क्या लिया है, स्टाइल लिया है, मेन के अंदर जो भी हम मेन के अंदर लिखेंगे कंटेंट, मतलब जो भी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसकी, क्या क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो बॉक्स के बाहर रहेंगे। बॉक्स के बाहर जो भी आप लिखोगे वो उसका फॉन्ट साइज रहेगा 28 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइनमेंट रहेगा सेंटर, सेंटर में आपका टेक्स्ट रहेगा और उसका फॉन्ट साइज 28 पिक्सल रहेगा। अब बॉक्स के अंदर क्या होगा, बॉक्स के अंदर जो पैडिंग होगी वो 30 पिक्सल की, विड्थ 250 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बॉर्डर आपका 50 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मार्जिन 50 पिक्सल, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट रहेगा आपका सेंटर रहेगा, फॉन्ट का साइज 28 पिक्सल रहेगा। और उसके बाद आपने कंटेंट, ये जो बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट देना है और आपने जो कंटेंट देना है बॉक्स के बाहर जो मेन के अंदर देना है वो क्या कंटेंट देना है वो आप लिखोगे स्टाइल हेड और बॉडी को, स्टाइल और हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी पार्ट के अंदर। तो बॉडी पार्ट के अंदर आपने क्लास में मेन में दिया है CSS एग्जाम्पल, जो मेन में दोगे वो आपका रहेगा यहाँ पे बाहर, जो आपका पैडिंग एरिया है और जो आपका पैडिंग एरिया है, बॉर्डर है और मार्जिन है, उसके ऊपर रहेगा आपका जो मेन का कंटेंट लिखा है वो क्या लिखा है आपने CSS एग्जाम्पल। जो बॉक्स रहेगा बॉक्स के अंदर क्या दोगे आप कंटेंट, यहाँ पे दिया हुआ है बालाजी क्लासेस, तो बॉक्स के अंदर बालाजी क्लासेस आ जाएगा और इसका सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ये CSS एग्जाम्पल आएगा ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई है, जो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं आपने यहाँ पे CSS एग्जाम्पल इसके थ्रू आएगा। और जो बॉक्स के अंदर ये सारे कंटेंट दिया है ना, जो बॉक्स के अंदर आपने ये एट्रीब्यूट दिए हैं ये जाएंगे बालाजी क्लासेस के ऊपर, मतलब जो बालाजी क्लासेस आप लिखने वाले हो वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा और जो CSS एग्जाम्पल लिखने वाले हो ये मेन के अंदर जो आपने एट्रीब्यूट दिए हैं वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा। और बॉर्डर आपका रहेगा 50 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये 50 पिक्सल सॉलिड ब्लैक रहेगा और सेंटर अलाइनमेंट रहेगी इसकी, फॉन्ट साइज 28 पिक्सल रहेगा इसका। तो ये इसका एग्जाम्पल है जो पेपर में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।